नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव। राजधानी पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान जोरों पर है। पटना हाईकोर्ट फटकार के बाद अतिक्रमणकारियों की बेतरतीब अतिक्रमण करने की वजह से पटना के भीड़भाड़ वाली सड़कों का नज़ारा नरकमय नजर आते रहता है। सरकार के द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाया जाता है, लेकिन छोटे फुटपाथी दुकानदार अपनी जीविका को लेकर पुनः अतिक्रमण करने को मजबूर हो जाता है। पिछले दिन सोमवार को पटना के सभी बड़े पदाधिकारियों जैसे जिलाधिकारी, एसएसपी और प्रमंडलीय आयुक्त ने खुद अतिक्रमण हटवाने पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक जुटे रहे, लेकिन मंगलवार को पुनः निरीक्षण के लिए प्रमंडलीय आयुक्त खुद पहुंचे और स्थल का जायजा लिया। पूरा सुबह और प्रशासन जो है अतिक्रमण हटाने की कवायद में एकजुट हो गए हैं। इसी कड़ी में कल पटना के जीपीओ गोलंबर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज किया गया, जिसमें नगर आयुक्त, जिलाधिकारी सभी शामिल हुए थे। आज पटना प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा पुनः उस जीपीओ गोलंबर का निरीक्षण किया गया कि वहां पुनः कोई इंक्रोचमेंट है या नहीं। इसी कड़ी में आज प्रमंडलीय आयुक्त ने क्या कहा, सुनिए। सर, अतिक्रमण अभियान चलाया गया, हाँ लगातार चलाए जा रहे हैं, आज क्या कुछ खास? नहीं, देखिए, ये भी निर्णय हुआ था कि अतिक्रमण दोबारा न लगे, इसको काम हम लोग ने संबंधित थाना के ऊपर हम लोग दायित्व दिए हैं। तो मैं तो ऐसे ही पर्सनली निरीक्षण करने के लिए आया था और ऑलरेडी देख रहा है कि एक दिन बाद भी इक्का दुक्का लोग तो अपना दुकान लगाने लगे हैं, जैसे ये पीछे वाले थे। तो इसको हम लोग इंश्योर करने के लिए हम आए हैं कि कंप्लायंस हो जाए। अब इससे ये पता भी चलता है कि यहाँ का प्रॉब्लम किस लेवल का है, क्योंकि यहाँ पे जो है इतना करने के बावजूद भी चार पांच आदमी तो फिर अपना दुकान लगाना शुरू किया है एक दिन बाद। तो इसलिए हम लोग को अलर्ट रहना है, इस तरह से करते रहना है। अब हम लोग स्थानीय थाना को बुलाएंगे और इसको कंप्लायंस कराएंगे। ये तो लगातार अभियान आपका चल रहा है। हाँ, ये चलेगा। इंस्ट्रक्शन दिए गए, हाँ, यस यस। बावजूद उसके नहीं, वही उसका कंप्लायंस करने के लिए हम ही लोग हैं और उस सिलसिले में मैं भी आया हूँ। तो इसमें सारा प्रशासन को लगना है, जिला प्रशासन और विशेष रूप से थाना को दायित्व दिए गए हैं, तो उसका कंप्लायंस हम लोग इंश्योर कराएंगे। इन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है, कहीं भी ये लोग काम? अभी तो पर्टिकुलर इन लोगों के लिए तो अलग से नहीं है, बहुत जनरल पॉलिसी डिसीजन हुआ है, जिसमें बहुत वेंडर्स के लिए एक जो नगर निगम का कमेटी है उसमें 5,000 लोग का तो लिस्ट बन चुका है। अब उसके आगे और भी बनाया जाएगा वेंडर्स का। आज कुछ जब्ती भी की गई है? आज कुछ जब्ती हुआ है और डिटेल्स आपको बता देंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा, डिटेल्स न्यूज में क्या है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।